बताया था निकलने के लिए। इधर निकले। ये ले जा। पकड़ो इसको। ओहो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेट्रो भी जाना था। ओहो। वेलकम। आओ मारनी आओ। वेलकम टू गोबरगंज। जी हाँ जी हाँ, ये हमारा गांव है। सिद्धू जी, हाँ जी, सच बात यह है कि आदमी के जीवन में सिर्फ दो खुशी के मौके आते हैं, एक शादी, दूसरा सुहागरात। और इत्तेफाक की बात देखिए, ये दोनों मौके हमारे जीवन में एक साथ आ रहे हैं। आप लोगों ने सही गैस किया है, लच्छा इज गेटिंग मैरिड। वैसे हमारे होने वाले वाइफ की फोटो हम आपको दिखाएंगे ना, दिखा? तो आपके 10-12 शेयर आराम से लीक हो जाएंगे, बता रहे हैं आप। दिखा देते हैं। हाँ, दिखा दिखा। सो यू। हाँ, शो शो शो। देखिए अबे घूंघट कैसी लगी फोटो बताइए ना। इश्क छुप छुप के भी हो सकता है और सरेआम भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जाम भी हो सकता है, अबे इस बंद पेटी का कोई भरोसा नहीं, अनार भी हो सकता है, सड़ा हुआ आम भी हो सकता है। कहीं कुछ भी हो सकता है, पर बिना शेर बोले सिद्धू जी का काम नहीं हो सकता। लच्छा भैया, मेरे को बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो पता नहीं बिट्टू शर्मा तुम्हें मामा तो नहीं बना रहा? अरे नहीं नहीं नहीं, बिट्टू शर्मा तो हमारी शादी करवाने वाले हैं, और अभी हमें मामा बनने में वैसे भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम पापा। वैसे दीदी, आप इतने ऐसे घबराई हुई से क्यों लग रही हैं? नहीं घबराई लग रही हूँ, मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा। गुत्ती दीदी, हमारे चाचा और हमारे चाची अब पेरिपोना। कौन है 11? अरे बबुआ, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें किधर किधर ढूंढ रहे थे। अरे तो इधर इधर ढूंढना चाहिए था ना। और वैसे भी आप हमें क्यों ढूंढ रही हैं? सही वक्त पे आपने हमारे लिए लड़की ढूंढ ली होती तो 32 वर्ष की उम्र में हमारा बेडरूम तबेले में नहीं होता। वाह, वैसे तुम बेडरूम में जाओगे तो तबेला ही हो जाएगा। मैं इस बात का समर्थन देती हूँ। लोमड़ी जैसी शकल लेकर आपको समर्थन देने की कोई जरूरत नहीं, आप कहीं जाकर अंडा दीजिए। लोमड़ी अंडा नहीं देती, अंडा मुर्गी देती है। तो अंडे को कहाँ पता होता है कि लोमड़ी दे रही है कि मुर्गी दे रही है। बबुआ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो ना, इसलिए लड़की देखे बिना ही भाग जाती है, रिजेक्ट कर लेती है। हम इसलिए रिजेक्ट नहीं होते हैं, हम रिजेक्ट होते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते की बात करने के लिए गुत्थी दीदी जाती है। लड़की वाले ये सोचते हैं कि अगर बहन की शक्ल भाई जैसी है तो भाई की शक्ल कैसी होगी। पिछली बार तुम खुद गया था, लड़की ने तुम्हें तभी रिजेक्ट किया था। नहीं नहीं, रिजेक्ट लच्छा भैया ने किया था। हाँ, लड़की ने उनके मुंह पे हाथ थू किया था। अरे लच्छा, अरे अरे हम तुम्हारे साथ। अरे लच्छा, अरे कैसे, मुबारक हो। अरे वाह, बड़े मोटे मोटे लोग इकट्ठे किए, लता सारा गांव इधर बैठा लच्छा। बिट्टू शर्मा आता ही बकवास शुरू कर दिया आपने। ये बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, कहा कि इतनी सी तकलीफ हुई बस। ये लो कैसे? अरे बस में इतनी सी कील निकली हुई थी। अरे तो ड्राइवर को क्या कील बड़ी करवा लेते? तुम किसी मिस्त्री को क्या अपना नाक क्यों नहीं छोटा करवा लेती? रुकिए रुकिए शर्मा जी, रुकिए, हमारे चाचा जी से मिलिए। नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम है राम स्वामी, कृष्ण स्वामी, शंकर स्वामी, अदरन स्वामी। तू गोबरगंज का रहने वाला चाचा, तेरा साउथ इंडियन कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ, जिस दिन जो खाते है ना वैसे ही बोलते हैं, इन्होंने डोसा खाया तो साउथ इंडियन बोल रहे हैं। कमाल है, डोसा खा के साउथ इंडियन बोलते हैं? कल को सोडा पियेंगे तो क्या बुलबुले छोड़ेंगे? बिट्टू शर्मा, सोडा पिए बिना ही छोड़ते ये। लिक्विड गैस की प्रॉब्लम है। मेरे को तो लगता है आपको है, क्रेडिट उनको दे रही हैं आप। शर्मा जी, हम लड़के वाले हैं, हमें थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दीजिए। अरे तो हम लड़की वाले हैं, हमें भी थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए, सोच बदलो देश बदलेगा।
करेक्ट। चलो चाची मटर छीलते हैं। हाँ मटर छीलना, लेकिन उसका छिलका फेंकना मत, उसकी भी हम सब्जी बनाएंगे। कुछ भैंसों को भी बुलाया हमने शादी के लिए। भैंसे की शादी में भैंसे तो आएंगी। शर्मा जी आप ऐसे अलेके कैसे आ गए, मतलब अकेले कैसे आ गए, बाकी लोग कहाँ हैं? आ गए बाहर भाग क्या फटाफट। आइए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, लेकिन लड़की लड़की कहाँ है? लड़की भी आ जाएगी, इतनी जल्दी क्या है, पहले मुंह दिखाई के पैसे तो दे। एडवांस में मुंह दिखाई के पैसे दे। हाँ? लेकिन चलिए आज आप हमारे गांव में आए हैं, ये भी रखिए 1000। की बात है, आगे आगे चलो मुंह दिखाई करा दो। 1000 रुपये? हाँ? तो ले देख। हेलो, ताजमहल का पैसा लेकर सुलभ छौचा लेकर क्या? लड़की कहाँ है? अरे लड़की भी आ जाएगी, लड़की भी आ जाएगी, पहले जाने आने का खर्चा तो दे दो। 2,00,000 रुपए। ट्रेन का टिकट 770 रुपए का होता है, 4 लोगों का 2,00,000 कैसे हो गया? हम प्लेन से आए हैं। मेरे पूरे जिले में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो हमने इसीलिए तो बस अड्डे पे लैंड किया ना। हमारे पूरे गांव में कोई बस अड्डा भी नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या करें, हम शादी देखने आए कि तुम्हारा गाल का डेवलपमेंट कराने हैं? अच्छा मेरे को भी 1,00,000 रुपए चाहिए, मैंने तेरा चाची को ट्रक में लेके आया था। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप यहाँ पर हमारी शादी करवा रहे हैं कि बोली लगा रहे हैं? पहले बताइए लड़की कहाँ है? अरे इतनी क्या जल्दी है लड़की के बारे में पूछने के लिए? अरे पहले खानदान के बारे में तो पता लगाओ। अरे चाचा आप आम खाइए, गुठलियों से क्या लेना देना आपको? हमें पहले लड़की दिखाइए। अरे तुम पहले मुझे 4,00,000 रुपए दो, जो रास्ते में हमने चाइनीज भेल खाए उसके। हैं? 4,00,000 का चाइनीज भेल? हाँ, हमने चाइना जाके खाया ना। क्या है कि हम लोगों को जहाँ का खाना खाता होता है हम उधर जाके खाते या उधर से मंगवा के खाते। हमारे परदादा जी, उनको एक बार मुगलई कबाब खाना था, उन्होंने मुगलों को भारत में बुला लिया, बाबर इसीलिए तो आया था। लेकिन हमने तो सुना है कि मुगल यहाँ पर हम पर हमला करने आए थे। अरे मुफ्त में किसी का भी कबाब खाओगे ना तो हमला ही करेगा ना। ये बंदा तगड़ा है। आप लोग अंदर चलिए, हम सबका हिसाब किताब करते हैं, कोई बात नहीं, आइए आइए। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, अंदर तो आइए, हमारे घर में आइए आइए आइए। पाजी, हाँ जी, शादी के बाद तो सारे बेवकूफ बनते हैं। हाँ। मैंने लच्छा को शादी के पहले बेवकूफ बना दिया। आपको तो पता पाजी, मैं बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। तू पैसे लेके भी कोई काम नहीं करता। बड़े भाई से सीख रहे हैं अभी। चलो कोई बात नहीं पाजी, मैंने स्कीम लड़ाई, मैंने ना लच्छा को ना अच्छी वाली फोटो दिखा के नकली चिपकाने का, लड़कियों को बुला लेते, लड़कियों। अरे भैया आपने तो मेरे लिए बड़ा अच्छा घर ढूंढा है, मजा आ जाएगा। अच्छा सुनो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग पहले भी ऐसे गाड़ियां दिखा दिखा के ना ऑटो रिक्शा बेचते रहे, बस बोलना नहीं। लेकिन वो अगर वो मेरे पीछे पड़ गया तो? अरे किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए तुम्हारे पीछे पड़ जाए। देखो तुम लोग बस एक बात का ख्याल रखना, उसको पता ना चल नहीं पाए कि असली लड़की कौन है। वाह शर्मा जी, लड़की शर्मा जी, यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे लिए इतनी खूबसूरत, मतलब आप जैसा नल्ला आदमी हमारे लिए इतना बड़ा काम करेगा। हमने कभी एक्सक्यूज मी माई सेल्फ लच्छा, व्हाट इज योर गुड नेम? माई सेल्फ रश्मि। हाय क्या नाम है? और हमारा नाम सिमरन। बदल लीजिए, आपको सूट नहीं करता। बदल के आप दीनदयाल रख लीजिए, उसमें दी छोटा रखिएगा। आप बताइए कि आप खाने में क्या पसंद करेंगी? जो प्यार से खिलाएंगे खा, प्यार से अपनी बनियान खिला देगा तो खा लेंगी। हम तो खा लेंगे। वो तो आपकी शक्ल से ही पता चल रहा है। आप बताइए कि रश्मि जी, आप हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करेंगी? हनीमून पेरिस। हाँ तो पेरिस चल, किधर भी चले जाओ, बच्चे तो इन्हीं पे जाएंगे ना। सुनिए, हमें तो कानपुर भी चलेगा।
शर्मा जी, शर्मा जी, ये कौन है जो हमारी बड़ी बड़ी बातों में अपनी छोटी छोटी टांगे अड़ा रही है? अरे मैं लड़की हूँ। शर्मा जी, ये लड़की है तो क्या ये लड़का है? देखो, लड़की ये है पर ये भी तकरीबन लड़की है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। रश्मि जी सुनिए ना, आप थोड़ा सा हमारे साथ गुफ्तगु करेंगी? हाँ। संभाल के करना, ये गुफ्त कम ही करता है ज्यादा। मैं क्या गुफ्तगु करूंगी, मुझे शर्म आ रही है। अरे शादी मेरी हो रही है, तुझे शर्म क्यों आ रही है? शर्मा जी, हम पहली बार देख रहे हैं, पेट किसी और का खराब हो रहा है लेकिन खेत में जाने की बातें कोई और ही कर रहा है। शर्मा जी, कैन यू क्लियरली टेल मी हु इज दिस गर्ल? अरे ये तेरी साली है। साली? आधी घर वाली? अरे लेकिन आपने तो कहा था कि मैं घर वाली बनूंगी। आपने सुना नहीं, साली आधी घर वाली होती है, तो आधी तो आप ऑलरेडी हैं, तो आप सीधी घर वाली बनेंगी। ओके ओके, रुकिए रुकिए रुकिए। रश्मि जी, ये बताइए कि आपको हमें सबसे अच्छा क्या लगा? आपकी दोस्त। आपके दोस्त ना आपके मूंछों की बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए तो मैं डायरेक्टली देख नहीं पाती ना। अरे आपको अगर हमारी मूंछें इतनी पसंद है तो आप घबराइए मत, शादी के बाद आपकी भी रखवा देंगे। और पता है, इन्हें तो सिर्फ मुझे पसंद आई हैं, हमें तो आप पूरे के पूरे पसंद आ गए। आप भी अगर पूरी होती तो शायद पसंद आ जाती। वैसे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी, तरह दो मिनट के लिए कोने में आएंगे? हट कुत्ते, उते उत्तेजित मत हो, ये मुझे ना शर्म बहुत आती है। शर्म आ रही है? शर्मा जी, इन्हें शर्म बहुत आती है, इनके गांव में लाइट नहीं आती तो इसलिए शर्म बार बार आती है। और हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शर्मा जी, आप इस डुगडुगी को यहाँ से बाहर निकालेंगे एक बार फिर? टुकुर 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 बोले जा रही है हमारे कानों के अंदर, कान तक ही तो पहुंचती है हमारे पास। बस बस रुकिए, आइए आपसे अगर कुछ बातें हो जाती तो। अच्छा तेरा दिमाग खराब है लच्छा, लड़की को ऐसे शर्म मिलेगा तो लड़की बदनाम हो जाएगी। तो एक काम कर, अभी ना मैं रात को 11 बजे आना, मैं लड़की को तेरे से मिलने के लिए भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा चलिए ठीक है, ओके ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम बाद में, मिलते हैं आपसे। ओके ओके। ए बिट्टू शर्मा, इस कुत्ते से मिलने नहीं जाऊंगी मैं। कुछ कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि लड़के को बोलना कुत्ते की आवाज निकाले तो कोड बड़ा है, मैं समझ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। गुड प्लान, गुड प्लान, गुड प्लान, हम आपका प्लान समझ गए, कोड वर्ड हम निकाल देंगे आवाज। ओके, आई विल सी यू। ओके, क्यों गेंडूमल? कुत्ते की आवाज क्यों निकाल रहे थे? आपकी भी आवाज सुबह के मुकाबले कुछ बदली बदली से क्यों लग रही है? मेरी एक्चुअली रात को शिफ्ट चेंज हो जाती ना, इसलिए मेरी रात को आवाज ऐसी हो जाती है। बताए दोपहर में तो मेरी आवाज रजा मुराद जैसी हो जाती है। आओ नीमा देवी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसी शर्मीली लड़की रात के इस समय हमसे यहाँ मुलाकात करने आई है। तेरी लिए ये सीधी ना मिलता हूँ तो मैं तू आई दिल्ली में रात में निशुल्क। रुके 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 रुके, अरे रुके, अरे शादी से पहले इतना थका देंगे तो फिर मंडप में फेरे कैसे होंगे? अरे ओह गॉड, आप तो खुद मंडप जैसे हैं, आपको फेरों क्या जरूरत है? आपको पता है आपके इर्द गिर्द के दो फेरे ले लें उसकी सात शादियां हो जाएंगी। गॉड बड़ी फनी है आप। चलिए अब आइए एक बार आपके चेहरे का दीदार तो हो जाए। इतनी क्या जल्दी है लच्छू लाल? तो वेट तो कर लो। लच्छू लाल, कितने प्यार से आज आपने हमें लच्छू कहा है, मतलब
ये सुनकर जैसे नॉर्मली लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी तो चुटियां खड़ी हो गई है। आपका डिश जैसे मुंह है, एंटीना तो खड़ा होएगा ही ना। पर मेरी एक शर्त है, मेरी चोटी वाले लड़के से शादी नहीं करनी। अरे तो आप कहिए, हम चोटी निकाल देंगे। और शर्त है, मेरे को मूछ वाले लड़के से भी शादी नहीं करनी। अरे तो हम मूछ भी निकाल देंगे। एक और शर्त है, मुझे धोती वाले लड़के से शादी नहीं करनी। अरे धोती भी निकाल। मेरी मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना फ्लो फ्लो में हमारी धोती निकल ही जाती। खैर मानना पड़ेगा आपकी टाइमिंग काफी कमाल की है। हाँ, तभी तो फिल्म चल रही है। अरे मतबल मतबल किस किस को प्यार करूं देखी आपने? अरे नहीं नहीं, वो बिट्टू शर्मा की फिल्म हमने नहीं देखी, लेकिन रोज हमें कलेक्शन बता बता के हमारे लूज मोशन करवा दिए उन्होंने। खैर देखिए, इतना हमें बेट मत करवाइए, मौका आ गया डार्लिंग, दीदार हो जाए चेहरे का। ऐसी भी क्या जल्दी है लच्छू लाल, मेरे लिए कोई रोमांटिक शायरी तो बोलो पहले। ओहो इसमें क्या है? तो ये लीजिए, पैसे खिदमत है, रोमांटिक शायरी जस्ट फॉर यू। अर्ज किया है कहाँ पे? यहीं पे किया है। अर्ज किया है थोड़ा करना, लेकिन आपके मुंह के हिसाब से गटर ही जाता है। देखिए हमारी बात मानिए, क्या है कि अगर सुबह हो गई तो लोग खेत में आना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो है वो चेहरा देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। दिखा दीजिए ना चेहरा एक बार। मुंह दिखाई क्या देंगे आप? मुंह दिखाई हम आपको पप्पी दे देंगे। मैं आपकी माँ की नौकर नहीं लगी हुई, यही काम नहीं मेरे को। अरे तो छोड़िए छोड़िए, आप खफा क्यों हो रही हैं? जरा अपना हाथ तो दीजिए, कि हाथ तो कम से कम दिखाइए। काफी बड़ा सा हाथ है आपका, और ये बाल क्यों निकले हुए हैं? एक्चुअली मैंने सोचा इतनी रात को बाहर निकल रही हूँ तो साथ में बाल भी निकाल लेती हूँ। मैंने कहा ना, मैं रात की शिफ्ट में ऐसी हो जाती हूँ। चलिए हाथों को छोड़िए, हाथों में क्या रखा है? आपके खूबसूरत पैरों के लिए हम एक पायल लाए हैं, आइए। इन पैरों को जमीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे। तो ठीक है, आपके मुंह पे रख देती हूँ। मैं जा रही हूँ, आप नोटी हो रहे हैं। अरे घाव दिल पर दे कर गई है डार्लिंग, डार्लिंग। बिट्टू शर्मा, अरे बिट्टू शर्मा, अच्छा आप इस तरह नाच क्यों रहे हैं? सिद्धू जी, सुबह सुबह पेट तबियत से हल्का हो जाता ना, पूरा दिन में हैप्पीनेस। लॉट में थोड़ा पानी बचा है अगर आपको भी। तूने जोर जोर से क्यों चिल्लाया? मैं डर गया पीछे बाल में। लड़की दूसरा किसी के साथ बात किया क्या? अरे नहीं नहीं चाचा, वो कल रात को लड़की के साथ हमारा टच स्क्रीन हो गया। टच स्क्रीन? टच स्क्रीन नहीं, टच स्किन। मतलब हमारा हाथ उनके हाथों में पड़ गया और हमारे पूरे शरीर में भूकंप आ गया। हमको आज अभी के अभी शादी करनी करनी है चाचा। ये कहाँ है बिट्टू शर्मा? बिट्टू शर्मा, ए लचा, क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रहा है? तेरे को बोला तो है बरातियों से पहले आइसक्रीम तेरे को मिलेगी। अरे हमारे शरीर में आग लगी पड़ी है, आप आइसक्रीम की बात कर रहे हैं? आप जरा तुरंत लड़की को बुलाइए, हमें बहुत जोर से शादी आई है। शादी है कि लूज मोशन है, बैठे तो हो जाएगी। ये सही कह रहा है। देखो बेटा, पहले टेंट लगेगा, फिर बेसन लगेगा, फिर हल्दी लगेगा, फिर शादी होगी। बेसन हल्दी क्यों लगेगा? हमें दूल्हा बनने कोई ब्रेड पकौड़ा नहीं। बिट्टू शर्मा, तुम इसको समझा, मैं जरा मंडी में जाके सब्जी लेके आता हूँ। इसमें? अरे इसमें नहीं है, थोड़ा अबे आ जा, लाइए लाइए। लच्छा तू समझ ही नहीं रहा है, तेरी शादी के लिए दो ऐसे वेडिंग प्लानर मंगवाए हैं ना जो तेरी शादी का सारा अरेंजमेंट देख लेंगे, तू सोच भी नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए शानदार शाहिद कपूर और आलिया भट्ट का। लच्छा की शादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हम यही आशा रखते हैं कि आपकी शादी शानदार हो
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हम साथ में इनको भी लेकर आए हैं, ये रस्ते में खो गई थी, क्या नाम था इनका? अरे बिजुरिया। अच्छा तूने कभी सोचा था तेरी शादी में शाहिद और आलिया आएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेवर। अरे कितने खुशकिस्मत हैं आप आलिया जी। छोटा सा शादी का थॉट हमारे दिमाग में आया और तुरंत वहां से आप आ गई। शर्मा जी हमारी शादी इनसे करवा दीजिए। हाँ? मेरे साथ? हाँ? अरे लेकिन आपका तो देखिए भाई साहब, आपको तो मैंने सुना है कहीं और चक्कर चल रहा है, आप यहाँ क्यों लाइन मार रहे हैं यार? इनको छोड़ दीजिए, हीरोइन है मेरी पिक्चर की। पल्ले ना तेल ना कढ़ाई बनाने चला मिठाई। नहीं नहीं देखिए, हमारा कहीं पर और किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चल रहा, एक लड़की के साथ खाली हैंड टू हैंड टच हो गया था, तो हाथ को छोड़ के हमारा बाकी का पूरा शरीर पवित्र है एकदम। अरे शाहिद इसकी बात कर रहे हैं बिजुरिया की, इनको पता है इसको पकड़ के लाए शाहिद, ये सुसाइड करने जा रही थी। एक सेकंड, मेरे पास एक सुसाइड नोट है, बिजुरिया ने एक सुसाइड नोट लिखा है जो मैं अभी सबके सामने आपके सामने पढ़ने वाली। खुलासा हो गया है, लिखा है, लिख रही हूँ दूध से, वाह, इसे पानी ना समझना। इमोशनल, इमोशनल। मेरे अलावा हाँ। किसी और को अपनी दिल की रानी ना समझना। क्या बात, क्या बात, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। डियर लच्छा, सुना है कि तुम शादी कर रहे हो, तबेले में तो बहुत चारा है, पर मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं। वाह। तुम्हारी होते होते रह गई बिजुरिया। देखिए इस टॉपिक पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसे यहीं पर रहने देते हैं, हम इसे कोने में ले जाके समझा देंगे बाद में, आप टेंशन मत लीजिए। और ये समझ जाएगी तुम्हारे कहने पे। अरे भैंस सांड के कहने से नहीं मानेगी तो किसके मानेगी? थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। देखिए आप दोनों हमारी शादी के लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं, बताइए आलिया जी आप क्या लेंगी, फेरे या मुंह दिखाई? That is just a joke smile, अच्छा। ओ नहीं 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 आप। ये देख तुझे हल्दी लगाने अब आ गए। और ये शाहिद आलिया कैसे मेरे बच्चे? दादी मेरी फिल्म हिट हो गई, तू क्या बधाई मांगने का काम शुरू कर दिया तुमने? अच्छा हो गया बच्चे तुम दोनों आ गए, हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ एक्चुअली आलिया क्यों ना तुम थोड़ा सा ढोलक बजा दो, शाहिद आप गाना गा दो और हम हल्दी लगा देते हैं। हाँ, तो हम हल्दी की शुरुआत करते हैं। आलिया बैठ के बजाय से मांगने वाली लग रही इधर। बैठ के ऐसे पकड़ा। शानदार के अंदर एक गुलाबो गाने के अंदर एक रैप पोर्शन है। हाँ। बिकॉज़ ये बहुत मॉडर्न शो है, इसे आप एक्चुअली आपके होने वाली मिसेज के लिए गा सकते हो। हम हल्दी भी रैप की तरह लगाएंगे फिर। 1 2 3 सुनी शर्मा जी, अब जब ये लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो लगे हाथ आलिया से मेरे भाई की रिश्ते की भी बात कर लीजिए ना। हाँ? प्लीज। आलिया मेरा भाई वैसे ब्रैड पिट टाइप दिखता है बिल्कुल। ब्रैड पिट? सूखी ब्रेड जैसा मुंह, ब्रैड पिट बोल रहे इसको? इसका भाई फालतू काम नहीं करने, इतना आलसी आदमी ना, नाक पे मक्खी बैठती, हाथ से नहीं उठाता, जीभ से लगा रहता है। पागल कहेगी। अरे रुकिए, शादी यहाँ पर हमारी हो रही है, अपने साले को बीच में कहाँ घुसा रहे हैं आप? आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहिए था, वैसे ही जरा हनीमून पे हम कहाँ जाएं? काम कर, तू एक जगह है, हाँ भाड़ में जा। पर बात दरअसल बताइए ना कि ये जो शादी होती है उसमें वो सुहागरात में दूध पीना क्या कंपलसरी होता है कि क्या क्या? छोटी सी प्रॉब्लम है कि दूध पीते ना तो हमें गैस हो जाती है, सुहागरात में हम खिड़की दरवाजे खुले भी नहीं रख सकते। अच्छा तू तो पीना ही मत रात को दूध, तेरे गैस हो गई, कल को पता चले दुल्हन पंखे में लटक रही। सुहागरात पे हमने ये भी सुना है कि थोड़ा बहुत रोमांस करना जरूरी होता है। Obviously, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, इसका थोड़ा ही बहुत होगा। हाँ
हम थोड़े शर्मीले टाइप कर रहे हैं बचपन से, तो इसलिए अगर ये रोमांस कैसे होता है थोड़ा अगर टीचिंग अगर आप दे सके हमें। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं शाहिद, मेरे साथ रोमांस करके दिखा देंगे आपको। क्यों? अच्छा तुझे शर्म नहीं आती अपने पति के सामने तू शाहिद के साथ रोमांस करेगी? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ exactly, जब मेरा पति मेरे सामने दूसरी हीरोइन के साथ फ्लर्ट करता है तब तो आप कुछ नहीं बोलती। आज कोई फ्लर्ट नहीं करेगा। क्या? हाँ। क्यों? मैं शाहिद के साथ रोमांस करके इसे दिखाऊंगी। देखिए अब तो मेरी भी शादी होगी, मैं भी एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ। एक्सपीरियंस्ड लोग रोमांस करेंगे। दादी कंट्रोल। पोते की उम्र के आदमी के साथ रोमांस कर रही तू? सीखना से सिखा रहे हैं। बीच में उम्र नहीं आती कपिल। सीख गए हमने सब देखा, हम सीख गए, अब हम थोड़ा अप्लाई भी कर लेते हैं। आइए अब इधर बे। किधर? अरे पीला पकौड़ा बन के आले के साथ रोमांस करेगा तू? हम अगर जबरदस्ती उसके हाथ पीले करेगा, भाग यहां से। ठीक है तो हम जरा क्लीन होके आ जाते हैं वापस। हम इसको तैयार करते हैं। हम आते हैं लेकिन हाँ जाना नहीं है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आई विल बी बैक। हाँ चलिए चलिए चल चल आइए चल 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 आइए आइए आइए। वाह एक बार आलियार शाहिद के लिए जोरदार तालियां। पाजी शाहिद और आलिया पिछले एक साल में तकरीबन 3-3 बार कॉमेडियंस में आ चुके हैं। हाँ। और पिछले साल शाहिद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का। तो मैं क्या ये समझूं कि हमारा शो आपके लिए लकी है? वैसे सर हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई है जो बहुत अच्छी हिट हो गई है, तो क्या हम ये समझे हम दोनों आपके लिए लकी है? मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा शाहिद भाई। जी सर। शानदार का, बहुत ही शानदार ट्रेलर है। थैंक यू सर। थैंक यू। और एक सीन में तो आप कमाल लग रही हैं। कौन सी सीन में? जिसमें मूंछ लगाई है। आप क्या समझ रही हैं? नहीं आप पहले हैं जिन्होंने इनको इनकी मूंछ को ज्यादा मेंशन किया है इनके दूसरे वाले वाले शॉट से। वो वाले। चलो गॉड ब्लेस यू। ऐसे खलती फूलती रहो, हम तो देख के खुश होते हैं। आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि शानदार में ज्यादा शानदार कौन है? मेरे लिए सबसे शानदार चीज शानदार के बारे में ये रही है कि मेरे फादर और मेरी बहन दोनों फिल्म के अंदर हैं, तो मुझे उन दोनों के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज मेरे साथ भी पहली बार काम करने का मौका। तुम तो स्पेशल हो ही, तुम तो सबसे शानदार। मैंने आज तक देखा पाजी जो थीम मैरिजेस होती हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं उसमें लड़कियां घाघरा चोली पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, लेकिन आलिया आपने जो मतलब रेंज दिखाई है ऐसा क्या खास पहन लिया भाई? आप देखेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। उनको अभी भी नहीं समझ आया। एक तरफ आलिया ना मूछें लगा के डांस कर रही है और दूसरी तरफ बिकनी। अच्छा ये मूछ का आइडिया कहाँ से आया था आलिया? इतनी खूबसूरत ग्लैमरस हीरोइन मूछ लगा रही है, तो आई थिंक मैं उसका फायदा उठा सकती हूँ ना। मूछ लगा के थोड़ा सा वो मैन साइड जो मेरे अंदर है, मोजो साइड, वो बाहर आएगा। अच्छा मुझे भी वो मर्दों वाली डांस करनी है, मुझे भी रायता फैलाना है, मुझे भी गंद फैलाना है। किस तरह की गंद की बात करिए आप, क्लैरिफाई करिए। हाँ। आपका मतलब क्या गंद? हम तो सफाई अभियान से जुड़े लोग हैं, आप कह रहे गंद? बिल्कुल, देखो एक साल भी पूरा हो गया। वो वाली गंद? कौन सी वाली? वो वाली। वो पाजी आप मुझे तो इसमें कुछ हमें नहीं आया। वो वाली गंद? ये वाली गंद तो हमें पता। ये वाली? हाँ। वो वाली गंद कौन सी वाली? कहने का मतलब आपको दिल करता है कभी कभी कि लड़कों जैसे काम करने को? ये वाली गंद यार, ये तो बड़ी तगड़ी है। अंदर वाली गंद है। ये तो शेम आता है, छा गई गुरु। इसी बात पे कुछ लव्स गंद के ऊपर। गंद के ऊपर कुछ? क्यों आली है यार? गंद के ऊपर से अच्छी वाली गंद। मैं भी सफाई अभियान वाला एम्बेसडर हूँ, गंद के ऊपर मेरा कोई शेयर नहीं। हेलो आलिया,
शाहिद। हाय गुत्ती। शाहिद जी, ये दो टिकटें हैं, चलो बरेली चलते हैं। चलो बरेली क्यों लेके जा रही शाहिद को? जितने मेरे पास पैसे थे उतने में बरेली की टिकट आ रही थी। लड़कियों के मुंह लगा के क्यों घूम रही तू? मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं कि आदमियों के बिना मुंह के घूम रहे हो। कभी पूछा? पॉइंट नोट ऑन। ये फैशन है, इनको क्या पता समझ नहीं आएगा कि भाई ओ यार इट्स अ फैशन यार। ये शक्ल शक्ल पे डिपेंड करता है फैशन पे, पता है? आलिया मुंह लगाती ना फिर भी हॉट लगती है, तू मुंह लगा के ऑडियंस ही पूछ लेते कौन ज्यादा हॉट है। एक मिनट उसके लिए। Shut up. मैं और आलिया यहाँ पे डांस करेंगे और आप बताइएगा कि किसका डांस ज्यादा अच्छा है। जो भी जीतेगा उसको फिर शायद किस करेंगे। That is the rule of the game. शादी ready? मैं तो बिना कॉन्टेस्ट के किस करने को तैयार हूँ गुत्ती, पता नहीं तुम घुमा फिरा के। तो ये मूंछ है, आप इस मूंछ को लगा सकती हैं। चिपकाते कैसे हैं इसको? देखो जाते हैं। Okay, the audience, are you ready to decide? पैसा खिलाया पैसा। Okay, audience ने decide कर दिया है, मेरे नाम का जिकारा लगाया उन्होंने। अब मैं चाहती हूँ कि शाहिद आए और ये विनिंग की रस्म पूरी करें। आओ गुत्थी, आज दुनिया को दिखा देते। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें किस करूं, मैं तुम्हें देखकर एक रोमांटिक मेरे पाउट को देखकर, एक खूबसूरत जो तुम्हारा पाउट है, ये मुंह क्या बनाया तूने, उसको लेकर मैं एक रोमांटिक डायलॉग बोलना चाहता हूं। एक मिनट, आंखें खोलो गुत्थी। एक मिनट पहले मुंह कैसा बना रही गुत्थी? सीवरेज का पाइप नहीं फटा? ये सेक्सी होता है। ओके सॉरी है, सेक्सी फूल बेटी। और मम्मी पापा लाओ नहीं करते ना ये वर्ड। गुत्थी इधर आओ, इधर आओ। सॉरी एकदम से पिया ना तो बर्प हो गया। एक मिनट, अब मैं बॉयफ्रेंड को भगा रही है, क्या कर रही है? मेरा रोमांटिक डायलॉग सुनो। एक मिनट, एक मिनट। अरे यार अब मैं फाइनली बोलूं, कुछ और खोलना है पिटारे में से, कुछ और निकाल। देखो मेरी तरफ, ये रोमांटिक डायलॉग सुनो। शायद झूठी झूठी, इन सब लोगों ने तेरा नाम कैसे लिया? आलिया भट्ट के ऊपर चांस ही नहीं है, तूने कुछ किया है गलत गलत। हाँ, वही मैं बोलूं, पैसा दिया है। यहाँ ये सब लोग बिक चुके हैं एक्चुअली। हाँ, मैंने इनको कहा था कि 50। सही जवाब, लाइफ में पहली बार सही जवाब। मैंने इनको कहा था 50-50 रुपए मिलेंगे। तो ठीक है, इनको पैसे दो, फटाफट निकलो, चलो। मैंने कहा था मिलेंगे, मैं दूंगी थोड़ी, ये थोड़ी कहा था मैंने। इसको कहते हैं ब्यूटी भी दिमाग। देखा, यही प्रूव करने के लिए आई थी, बाकी सब टाइम पास था। पाजी आपको पता है आलिया के साथ एक ट्रेजेडी होती है हर फिल्म में। हाँ, आलिया ने टू स्टेट्स की, उसमें इसके जो पापा थे वो इसकी शादी के खिलाफ थे। हाँ, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया की, उसमें भी पापा शादी के खिलाफ थे। इस फिल्म में भी मैंने देख रहा हूँ शानदार में भी इसके पापा शादी के खिलाफ हैं। हाँ, तुम थोड़े से और पैसे डाल के कोई अच्छे से फिल्मी पापा क्यों नहीं रख लेती? हर बार पापा शादी के खिलाफ क्यों होते हैं? ये समय है तुम ये बोलो कि ये फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी बहुत अलग है। बिकॉज अभी मुझे फीलिंग आ रही है कि इस स्टेटमेंट के बाद लोग सोचेंगे ये पिक्चर में नया क्या है बॉस, कुछ ऐसा बोलो। मैं यही बोलूंगी, ऑफ कोर्स हमारी फिल्म बहुत अलग है, पर अगर बेटी है तो पापा है, अगर लड़का है तो पापा विल गेट जेलिस। ओके, तो ये आई थिंक एक जो रिश्ता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो आई एम सॉरी, ऑल गर्ल्स आर गोइंग टू बी स्टक विद वन पोजेसिव पापा। आपके पापा भी ऐसे ही हैं? हां बिल्कुल। मेरे पापा इनके पापा प्ले करते हुए मुझसे जेलस होके मुझे ही आगे दूर भगाने लगे थे इस पिक्चर के अंदर। वो इतना कैरेक्टर में घुस गए थे कि वो भूल गए थे कि एक्चुअली मैं उनका बेटा हूं। तो जब मैं बोलता था पापा, तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, वो सिर्फ आलिया की तरह प्रोटेक्टिव हो गए थे बस। शायद इस फिल्म में आप पंकज कपूर साहब के साथ काम कर रहे हैं, आपके पापा हैं,
और इतने खतरनाक एक्टर है भाई, सामने वाले एक्टर को वैसे खा जाते वो। हाँ। आपने किसी सीन से पहले उनको कहा नहीं पापा थोड़ी कम एक्टिंग करना? खाया खुया आया हूं आपके पास। आपने कहा नहीं पापा थोड़ी कम एक्टिंग करना, थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी कम, ऐसे कहा था नहीं कभी किसी सीन में? नहीं एक्चुअली डैड को तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट मुझे ये लोग कहते रहते थे, मैं जब भी डैड के साथ सीन करता हूँ तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, थोड़ा कम कर ले। मुझे ये ज्यादा कर रहा था, ऐसा लगता था कि मुझे कोई देखने नहीं वाला फिल्म के अंदर। तो बिल्कुल जैसा मुझे यू नो जब मैं कपिल शर्मा के शो पे आता ना, मुझे लगता मुझे कोई नहीं देख रहा, वैसी फीलिंग आती है जब मैं डैड के साथ शानदार में एक्टिंग करता हूँ कि मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं। हाउ स्वीट ऑफ यू। इस फिल्म में दिखाया गया है कि शाहिद को रात को नींद नहीं आती है जी, आलिया को भी रात को नींद नहीं आती है, और रियल लाइफ में भी तकरीबन लेट ही सोने वाले लोग हैं जी। Am I right? जी जी। मैं बिल्ली हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कुत्ता हूँ, बट शायद रॉन्ग हो जाए। मतलब रियल लाइफ में मैं बहुत सोचती हूँ तो मैं बिल्ली हूँ। ओके। एक्चुअली फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि हम दोनों इंसोम्नियाक्स हैं, और जिसका मतलब है रात को हमें नींद नहीं आती है, और उसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि हम दोनों ऐसे घूमते रहते हैं रात को, तो हम टकरा जाते हैं एक दूसरे से। ओके जी। पर चलो आपको तो नींद ना आने का फायदा हो गया फिल्म में। हाँ मैं बहुत घूमते घूमते आलिया मिल गई। अच्छा देख लो, आदमी खुद जैसा होता है उसके साथ इंसिडेंट्स भी ऐसे होते हैं। शायद को नींद नहीं आ रही थी तो सामने भी आलिया मिली। मेरे को नींद नहीं आती ना, मैं खिड़की से देखूं बाहर ऑटो वाले अपनी नाभी में उंगली डाल के खारिज कर रहे होते हैं। मेरे को कभी नहीं मिली। मैं कभी कभी सीरियसली मैं जानता हूं नाभी में उंगली डाल रहे हैं, रात को खड़े रहते हैं ऑटो चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही क्या? यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आती होगी रात को या लेट सोते हैं। कोई है जी? सोना क्यों चाहते हैं आप पहले तो ये बताइए, क्या करेंगे सोके? काम करिए, आगे बढ़िए जिंदगी में। नहीं तो आपको अगर नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं? सर नींद नहीं आती तो सर बाहर उठ के जाता हूँ, फिर चैटिंग करता हूँ, फिर चैटिंग करके पेट अंदर छाती बाहर, फिर सोता हूँ। चैटिंग किसके साथ करते हो? पेड़ों के साथ करते हो बाहर जाके? फ्रेंड्स सर, नो मैम, फ्रेंड्स लोग के साथ। फ्रेंड्स लोग के साथ चैटिंग करते हो? जी। ओके। कहाँ? मैं मोबाइल पे। तो बाहर क्यों जाते हो? क्योंकि मैम बगल में फादर सोए रहते हैं ना, इसलिए। आप पिताजी के साथ सोते हैं? जी। आपकी शादी हुई? नो सर, मैरिड हूं। अभी नहीं हुई आपकी शादी? नहीं हुई। नो सर। तो पिताजी को तो सही जगह सोने दो, आप क्यों? पर चलिए अच्छी बात है, आपकी शादी नहीं हुई और पहले से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं। तो आपको क्यों खुशी हो रही टाई लगा के? ले भैया बच गया तू। आप कहाँ से हैं सर? मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ सर। अच्छा जी। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यहाँ मुंबई में कैसे आना हुआ? मुंबई में डॉक्टर हूँ मैं, यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। अच्छा। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ओके। और उसमें मैं इनवाइटेड था। अच्छा, एक गेस्ट लेक्चर दिया था, और आपका इतना बड़ा फैन था कि आप इधर आ गए आप। हाँ, वो आपके वजह से बंक किया उधर आज, कि आपके फैन होने की वजह से मैं सोचा कि चलो इस गुड अपॉर्चुनिटी, मैं वो पीडियाट्रिक सर्जरी तो 20 साल से कर रहा हूँ, आपके साथ मिल लूँ। आले जी, आपके बारे में कुछ पूछना था। सुना है आप शाहरुख खान के छोटे से बहुत बड़े फैन थे। मैं तो चाह रहा था कि मैं शाहरुख खान बन नहीं पाया अभी, क्योंकि मेरा बाल झड़ गया। आप बन गए शाहरुख खान? डॉक्टर साहब इतने खुश हो गए पाजी आले को देख के, बीच में जो पॉज है बीच में भी करी जा रही है। जैसे जेठानियां जेठानियां ताला नहीं मारती, तू होएगी तेरी माँ होएगी। बहुत मजेदार, ध्यान से डॉक्टर साहब। इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। And I didn't expect. Thank you very much, everyone. But doctor साहब, जिस तरह से आप कमर हिला रहे थे, मुझे तो काजोल लग रहे थे आप। आले एक बात बताओ। हाँ। आपने कहा कि मैं शाहिद की तब से फैन हूँ, जब मैंने इनकी पहली फिल्म इश्क विश्क देखती। जी। तो कितने साल की थी आप तभी? कब रिलीज हुई थी? अरे याद नहीं मुझे यार। कब रिलीज हुई थी? बारह साल की थी जी। नहीं तो, अभी कब? 2015
मैथ्स में थोड़ा वीक है? अलिया तुम 10 साल की थी अलिया। 10 साल की थी? हाँ तुम 22 साल की हो ना अभी, इसको 12 साल हो गए। हाँ मैं 10 साल की थी। 10 साल 10 साल में ही ताड़ना शुरू कर दिया था। मैंने ताड़ना शुरू किया तब क्या मतलब फिर? नहीं मैंने बस देखा। तो जब तुम 10 साल की उम्र में शाहिद की फिल्म देख रही थी, तुमने कभी सोचा था कि शाहिद के साथ फिल्म करोगी और कॉमेडी नाइट्स पे आओगी? नहीं कभी नहीं सोचा था। अली एक बात बताओ, आप जिस भी एक्टर के साथ फिल्म करती हो आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है उनके साथ। थैंक यू। ऐसा लगता है रियल के बॉयफ्रेंड है आपके, क्या इसका कारण यही है कि आपका असल में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वो रीजन होगा तो हाँ, पॉसिबल है वो रीजन तो हाँ। मैं एक साल से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, आज इस शो पे पता कर ही लेते हैं। क्या पता करते हैं? कि तुम्हारा रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड है या नहीं है भाई, जरा क्लियर कर दो। बताओ ना, दो अच्छे नौजवान गबरू जवान पूछ रहे हैं, इसका ऑनेस्ट आंसर दे दो यार आज। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अकेले होना चाहिए। होना तो चाहिए, होना चाहिए। भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया, क्यों टाइम वेस्ट करना ऐसे अकेले रह रहे के? वो बाकी लड़कों से कहो ना। बाकी लड़के तो हम क्या मर गए? आप तो शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा है। कौन शादीशुदा है? कौन? अरे वो तो ऐसे ही है। ऐसे ही जो आज ढोलक लेके आई थी, उसकी कजन वाइफ है। कजन वाइफ उन्हें ये स्पेशल फीलिंग नहीं आ रही कि दो शादीशुदा मर्द अभी भी पता करना चाहते हैं कि तुम अवेलेबल हो या नहीं? ये तो और अच्छी बात है। हमारी श्रद्धा देखो, देखो कितना लोग मतलब तुम कितना पसंद करते हैं तुम्हें लोग। मैं शादीशुदा मर्द के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, सॉरी। मतलब तुम अवेलेबल हो? कुछ नहीं बोल रही है, मतलब नहीं हो। तुम बड़े डिटेक्टिव बन गए हो यहाँ पे। मेरा तो सबके सामने खुल गया मामला भाई, मेरी तो हो गई शादी। सबको क्या लगता है मेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है? आपने क्यों कहा बहुत है? शर्म नहीं आती आपके घर में कोई एक्ट्रेस नहीं है? चलो अभी आलिया को ज्यादा तंग नहीं करना, छोटी बच्ची है उसको ज्यादा तंग नहीं करना। आलिया छोटी बच्ची नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बड़ी बच्ची हूँ। ओके वैसे बच्ची मैंने भीड़ में बड़ी लड़कियां देखी हैं, पर एक लड़की के पीछे इतनी लाइन कभी नहीं देखी। मजाक नहीं करता, लेकिन हमने आपके पीछे हमेशा लाइन ही देखी। हमारे बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि हमेशा सिद्धू जी के पीछे लड़कियों की बैठती हैं, क्योंकि कपल हम तो लड़के बिठाते हैं, ये आते हैं जब आते ही आते हैं, पहले आते हैं कोट पैंट पहना, ओए तेरे को किसने बिठा चल। झूठ बोले कौवा काटे। शाहिद को कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले इनको बुखार था, ये दो हफ्ते तक बुखार से पीड़ित रहे, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक बड़ी खूबसूरत फोटो डाली, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा यहाँ पे दिखाइए जरा। ये देखिए, दो हफ्ते बुखार रहा, ये दो हफ्ते बुखार के बाद सिक्स पैक है इनके। अगर मैं 6 हफ्ते बुखार में रहूं मेरे 2 पैक बन सकते हैं, ऐसे आइडिया ले रहा हूँ। सर जितना टैलेंट आपके अंदर है, आपको कौन से पैक की जरूरत है? आप तो फुल आप, पैक हो। आप अपने आप में पेटी पैक हो, फैमिली पैक हो, फैमिली पैक हो, पूरे इंडिया को पैक करके आपने अपनी जेब में रख लिया सर, आपको इस सब की जरूरत ही नहीं। बिट्टू अरे हाँ? कोई बात नहीं, दो जगह से फटी हुई थी, सुबह रफू होके निकलेगी। हाय रुपा उतरी। पिंकी, पिंकी जी कैसी हैं आप? हाय रुपा, आज मैं बिना चुन्नी के आई हूँ तो आप भी आ गए। आपने मुझे पूछा कैसी हूँ मैं? लो जी, शादी से पहले आप 4 बार आए, तब तो आपने मुझे पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ। शाहिद खैर, अब ना आप वेडिंग प्लानर बन गए हो तो मैं अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देती हूँ। Okay. मतलब जो टेंट लगा होगा उसका, उसकी डेकोरेशन, खाने पीने का सारा इंतजाम हम खुद ही कर लेंगे जी। आप बस मेरे लिए दूल्हा ढूंढ दीजिए प्लीज। देखिए जो काम कपिल शर्मा नहीं कर पाए वो मैं कहाँ से कर लूंगा। दूल्हा बोला तो छोड़ देना, अभी तू तो वृद्धाश्रम में जगह ढूंढ जा। क्या कहा तूने? यार राक्षसों की शिमला मिर्च क्या बन के घूम रही है? ओए खस मारू
मिर्ची लग गई बड़ी जोर से। ऐसे ही आ जाती डिस्टर्ब करने। आलिया जो है अभी सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद कमाती है, अपना खर्चा खुद उठाती है। हाँ। अभी ये घर भी शिफ्ट कर रही है अपना, कहती कि मुझे इंडिपेंडेंटली रहना है, प्राइवेसी। पर आपको लगता है आलिया आप अकेले रह केंगे और ये सब्जी वब्जी ये सब आप कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे सब्जी बहुत पसंद है। सब्जी खरीद लोगी? ट्राई तो करूंगी अमी, बट एक्चुअली मैं किसी को बोल दूंगी मेरे लिए। अच्छा भाव पूछिए ना इनसे, कौन सा क्या कितने का है पता तो चले, इनको आइडिया भी है कि नहीं। हाँ भाई, एक किलो प्याज कितने के मिलते? कितने के भाई? हाँ तो एक किलो प्याज कितने के होते हैं? पर किलो। अप्रोक्सीमेटली क्या लगता? ₹7 नहीं भाजी वाला बॉम्बे छोड़ के इंडिया छोड़ के चला जाएगा अगर 7 किलो में प्याज। सॉरी बाय मिस्टेक, 17। 60 तो हाँ मैंने 60 ही बोला, आपने 7 सुना। 60 ₹60 ₹60 किलो प्याज। हाँ मैं प्याज वैसे खाती नहीं हूँ ज्यादा, सो इट्स कूल। चलिए अगर आलिया को ये लगता है कि ये सब्जी वब्जी खरीद सकती हैं, मान लो मैं सब्जी वाला हूँ, सब्जी खरीदने आओ चलो। ओके ये सब्जी ले, आलू ले, प्याज ले। भैया मुझे भैया क्या बोनी खराब कर रहे हो सुबह सुबह? एक्सक्यूज मी या अच्छा मैं तो सब्जी वाला, सॉरी। क्या एक किलो टमाटर देना, कितना? 500। क्या 500? इतनी छोटी सी उम्र में इतना पैसा कमा रही, कहाँ लेके जाओगी? देना 500 रुपए गरीब को। भैया सुना है आपकी पिक्चर बड़ी हिट हो गई है, तो मुझे फ्री में दिलवा दो अपनी। अरे पूरी रेडी आपकी, कमाल कर रही हैं आप। शाहिद आलिया आपके फैंस यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप एक एक करके शाहिद से आलिया से बात कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी आइए। हेलो एवरीवन, क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, पवन क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा आलिया मैम से सवाल है। जी मैंने रिसेंटली आपका शानदार का ट्रेलर देखा था, उसमें आप बहुत पतली लग रही हो। अभी पतली नहीं लग रही हूँ? नहीं अभी भी हो लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा पतली लग रही हो। तो मैंने अपनी मॉम के हाथ के पराठे लाए हैं, हैं? टिफिन में। आप पराठे लेके आए हो? हाँ सच्ची में? ये आने नहीं दे रहे थे यहाँ पे, स्ट्रिक्ट चेकिंग है इसके लिए। अच्छा तो आपकी परमिशन पसंद है, तो आपकी परमिशन हो तो मैं मंगवा लूँ? प्लीज मंगवा लीजिए। एक्चुअली मुझे है ना लड़कियाँ बहुत हेल्दी और भरी भरी पसंद है, इसके लिए। बेसिकली मुझे बहुत टेंशन हो गई थी आपकी, आपने कहा मुझे हेल्दी और भरी भरी लड़की पसंद है। हाँ। मैं हेल्दी और भरी भरी हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन तो आप बस मुझे थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। नहीं बहुत, इसके लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। हाउ स्वीट। लेकिन आलिया को थोड़े आपको कैसे लड़के पसंद है उनको बताइए, ताकि वो भी उसकी तरफ मेहनत करें। मुझे हेल्दी और फनी फनी लड़के पसंद है। आप फनी हो? फनी तो हूँ इतना। तो आप जो पराठे लेके आए वो क्या चाहते हैं पराठों का मतलब? मैं आलिया मैम को खिलाना चाहता हूँ। अच्छा मेला लगा इसके लिए आया हूँ। लाओ लाओ इनके पराठे लाओ यार। कौन सी चक्की का आटा खाते हो गुरु? आपको आलू का पराठा खिलाना है? आपने मम्मी ने बनाया? हाँ मम्मी। थैंक यू मम्मी। मम्मी का नाम क्या है? ललिता। ललिता आंटी थैंक यू। तुम मुझसे भी है, मेरे को भूख भी बढ़ी। ये क्या है? ये देखो मक्खन। आपको हेल्दी करने के लिए लाया हूँ, मम्मी को थोड़ी मुझे भरी भरी लगा रहे हो। पसंद है। मुझे मक्खन लगा रहे हो। लगाना तो पड़ेगा ना थोड़ा। वेरी नाइस ललिता आंटी, क्या पराठे, थैंक यू। बहुत प्यार आ रहा था। मुझे आपके ऊपर, इसके लिए मैं आपके लिए पराठे लाया था। थोड़ा हेल्दी। अच्छा मैं हेल्दी हो जाती। नाश्ता नहीं किया? थैंक यू पवन। अपनी मम्मी को कहना एक समोसा मैंने भी खा लिया। और मेरे को दोस्त। हेलो कपिल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सिद्धू जी। हाउ आर यू?
हमारे जमाने में जब डांस होते थे जी सर, जो राजकुमार राज कपूर साहब थे, मीना कुमारी जी थी, वैजयंती माला थी और बहुत सारे हीरो जो रोमांस करते थे झाड़ के पीछे घूम के करते थे। आज के जमाने में जो आप डांस करते हो, रोमांस करते हो और किसी करते हो, खास करके किसी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पुराने जमाने के राज कपूर वो स्टाइल से आप डांस करें दोनों। कौन से गाने पे देखना चाहते हैं आप? ओल्ड सॉन्ग पे। चलो आप पेड़ बन जाओ। मैं पेड़। गाना? पेड़ के पीछे बड़ा ज्योमेट्रिक पेड़ है। कौन सा चाहिए? पपीते का चाहिए क्या? थोड़ा ऐसे, थोड़ा कमर बार। हापुस का पेड़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया अंकल, मुझे बड़ा मजा आया आपकी फरमाइश। आपने भी बहुत मजा लिया। हमारी शादी का मुहूर्त निकला, जाला है, थोड़ा आगे बढ़ा ले। अबे तेरी शादी का सारा इंतजाम कर दिया शाहिद और आलिया ने। हाँ? उनका फीस दे दे 50,000 रुपए। 50,000 रुपीज को ज्यादा नहीं हो गया? काय का 50,000 तेरे को पता? वो शादी अटेंड करने का इससे ज्यादा ले लेते। अपनी शादी में 5 करोड़ लेके गए थे वो। 50,000 रुपए दो, 50,000 उनको, 50,000 उनको। चलो ठीक है, ठीक है, देते हैं, देते हैं। 50,000। अरे ये तो 1,050 हुए ना ये। आपके लिए हम फ्री में कर देंगे। फ्री में कर रहे हैं, ले लीजिए। फ्री में करेंगे। हमारी फिल्म रिलीज है, फिल्म देखने जाओगे कि नहीं? हां वो तो देखने जाएंगे ना, यही तो पैसे इन्होंने दिया, इसी से टिकट खरीद देंगे आपको। इसमें टिकट नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। हां इसमें आ जाएगा। अच्छा पहले पूछ लो, इनकी फिल्म कब रही है? कब आ रही है सर आपकी फिल्म? हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 22 अक्टूबर को इस दशहरा। प्लीज जाके देखिए। दुल्हन, दुल्हन को लेके आओ, फटाफट आशीर्वाद ले। चलो वर वधू जल्दी से शाहिद और आलिया से आशीर्वाद ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं प्लीज। ये शर्मा जी तो एक नंबर के चालू दुल्हन निकले। रॉन्ग नंबर ले आ रही है आपका दूल्हा, वहां है। रॉन्ग नंबर ले आ रही है, चालू दुल्हन निकली है, क्या आइटम ले आए हैं आप? दुल्हन चालू निकली तो दूल्हा भी तो भालू निकला। चलिए उनके हाथ में हाथ दीजिए। चलिए हैप्पी वेडिंग टू यू, हैप्पी वेडिंग टू यू, हैप्पी वेडिंग टू बोथ ऑफ यू, 22 अक्टूबर। एक बार शाहिद आलिया के लिए जोरदार तालियां। शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू, कीप रॉकिंग। रुके 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 शर्मा जी, ये आज कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा है। आपको नहीं लगता कि हमारी होने वाली बीवी कुछ ज्यादा छोटी और दुबली हो गई है? hey, लच्छा बेटा जल्दी करो, रात हो रही है बेटा। अरे रात हो रही है तो रात में आपको क्या प्रॉब्लम है? hey, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सोने के रात में, लेकिन रात को तुझे जगने का लच्छा जल्दी जल्दी लड़की को वरमाला डाल, लड़की खराब हो रही है। लड़की? अरे लड़की है या कड़ी है जो खराब हो रही है? कमाल करते हैं आप। चलिए आपकी रिस्पेक्ट करते हुए वरमाला डाल देते हैं। चलिए चलिए बम तो हमारे साथ फट गई। हमारे साथ धोखा किए हैं ये लड़की, वो नहीं है जिसके साथ हमारी शादी तय हुई थी। अरे तू क्यों बोले था? सोच बदलो सोच, तुमने तो लड़की को बदल दिया है। What nonsense! रुकिए रुकिए, दादी हटिए हटिए। अरे अरे फोटो का ले रहा है, सामने से हटिए। ए ए वो लड़की है जिससे हमारी शादी तय हुई थी। अरे चलिए आइए आइए, अरे हमारे साथ शादी कीजिए। कुत्ते! एक मिनट चुप रहो भाई। हमार होने वाले मुन्ना के पापा पराई औरत से कैसे पिट के आ गए? हमारे साथ धोखा किया है शर्मा जी, आप ये गलत है। एक मिनट मेरी बात सुनो। आपको क्या बोलना है वो हमें पता है, वो हम बोल देते हैं। अरे हमने बहुत बार देखा है, हम बोल देंगे। ओके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साफ सफाई मेंटेन कीजिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे बस। अबे